दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान का दुबई काफी ज्यादा क्रेज बन चुका है। पठान के बाद दुबई के लोग जवान का काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और जवान का टीजर बुर्ज खलीफा पर छाया हुआ है। शाहरुख खान दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का ब्रांड एम्बेसडर है। यही वजह है कि शाहरुख खान की जवान को ग्लोबल में पठान से बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। जवान का प्रमोशन काफी बड़े लेवल पर किया जा रहा है ताकि पिछली फिल्म पठान का 1000 करोड़ वाला रिकॉर्ड तोड़ सके। दोस्तों, जवान को दुनिया भर में रिलीज करने की सारी तैयारियां हो चुकी है। यशराज स्टूडियो ने जवान को 10,000 स्क्रीन देने की जो बात कही थी वो अब उसको पूरा करने वाले हैं। वही जवान पर 250 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं, बाकी 50 करोड़ इसके प्रमोशन पर यशराज खर्च कर रहा है। जवान का टोटल बजट के आसपास चला गया है। विदेशों में यशराज ही जवान को रिलीज कर रहा है और पठान की वजह से वायारेफ को काफी फायदा हुआ था, इसलिए वायारेफ जवान से भी कुछ पैसे कमाना चाहता है और दुनिया भर में जवान को डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया है। यशराज ने जवान को 10,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की बात कही है। दुनिया भर में शाहरुख खान के लाखों करोड़ों फैंस फॉलोविंग हैं जो किंग खान की सभी फिल्में देखने के लिए बेताब रहते हैं। पठान के बाद जवान को भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है। शाहरुख खान का स्टारडम इतना बड़ा है जो इंडिया में दूसरे किसी एक्टर के पास नहीं है। दोस्तों, जवान रिलीज होते ही इतिहास रचने वाली है और इस बात के पूरे पूरे चांस है कि पठान का रिकॉर्ड टूटेगा और नया रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन पठान के एक महीने तक कोई भी बड़ी फिल्म उसके साथ रिलीज नहीं हुई थी, वही जवान के सामने खुद प्रभास बैठा हुआ है। दोस्तों, जवान और सालार के फैंस के बीच अलग ही क्रेज बना हुआ है। अब देखना ये होगा क्या शाहरुख खान के आगे आपका हीरो प्रभास टिकेगा या नहीं, क्योंकि जवान में शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है कि जब मैं विलेन बनता हूँ तो मेरे सामने अच्छे अच्छे हीरो भी नहीं टिक पाते हैं। दोस्तों, ये बात उनकी रियल लगती है क्योंकि जब भी शाहरुख खान ने विलेन का रोल किया है वो फिल्में ब्लॉकबस्टर गई है। इस बार जवान में फिर से उनका विलेन वाला स्टाइल देखने को मिलेगा। आप लोगों से हमेशा की तरह ये एक सवाल है कि जवान कितना कलेक्शन करेगा, जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।